Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है फिल स्टूडियो ट्यूटोरियल्स में. आज हम बात करेंगे और सीखेंगे कुछ जो है बेसिकली VSTs कहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री VSTs फॉर एफएल स्टूडियो, और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे. बहुत लोगों ने मेरे जो लाइव सेशंस पे बहुत लोगों ने पूछा था, सर हमको VSTs कौन कौन से VSTs और प्लगइन्स जो है हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे. तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है उसके बारे में, तो चलिए सीधा चलते हैं. तो हाँ दोस्तों, अभी हम लोग हमारे जो डेस्कटॉप है, अभी बेसिकली हम लोग जो VSTs सर्च करेंगे उसके लिए हम लोग सबसे पहले FL Studio के लिए चाहिए हमको. तो हम लोग देखेंगे फ्री VST फॉर FL Studio. बहुत सारा VSTs है जो अच्छे खासे VSTs है जो हम लोग एक्चुअली FL Studio के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए 200 बेस्ट फ्री प्लगइन्स वाला पहले ऑलरेडी है और 400 बेस्ट फ्री प्लगइन्स है. पहले हम लोग ये दो में देख लेते हैं. तो हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करें. पिछले एक लाइव सेशन में मैंने दिखाया था कैसे इंस्टॉल करते हैं. तो आज देखते हैं कौन सा. ये तो हमने ऑलरेडी एम्पल साउंड गिटार जो है हमने इंस्टॉल कर लिया था. ये जो एम्पल साउंड का जो है ऑलरेडी सेटअप फाइल आता है तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ था. तो आज हम लोग कोशिश करते हैं ये एक VST राइट क्लिक करके आप नया टैब में कर लीजिए. ये एक VST और ये भी एक और VST हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं. और बहुत सारे VSTs है दोस्तों, देखिए आप इधर बहुत सारे आप लोगों को VSTs मिलेगा. आप जितना चाहे इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे जितना आपका स्पेस है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो. तो देखिए मैं आपको दिखा ही रहा हूँ ऑलरेडी, ये सब फ्री VSTs है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये हम लोग अभी डाउनलोड कर लेते हैं वाइकिंग सिंथेसाइज़र. तो मैं इसको अभी डाउनलोड कर रहा हूँ. तो मैं आपको तब तक ये भी देख लेते हैं अगर इसका भी डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं. ये रहा विंडोज़ के लिए 2.0 वर्जन. पहले 1.41 वर्जन था, अभी 2.0 वर्जन आ गया. ये भी डाउनलोड कर लेते हैं. तो ये दो हो गया. ये पूरा VS कंप्लीट है. ये सब फ्री प्लगइन्स है दोस्तों. तो हम लोग इसको अभी इंस्टॉल करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ये खोल सकते हैं. ये अभी तक हो नहीं रहा. वो तो ये रहा. तो हमको लेने का एक्चुअली 24. अभी देखिए इधर जो है ये प्रीसेट्स है. अब ये जो है देखिए, अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है और 32 बिट का है, तो ये 64 बिट का ये है. तो ये हम लोग को कॉपी करना है दोस्तों. तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, जैसे FL Studio में हमको दिखाते हैं बेसिकली. तो हम FL Studio खोल देते. तो FL Studio खोलने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि FL Studio में बताता है कि किस तरफ हमारा प्लगइन्स होता है. तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे इंस्टॉल करना है कि पता करना है, तो मोर प्लगइन्स में जाइए, मैनेज प्लगइन्स में जाइए. तो इधर देखिए ये FX है, जनरेटर्स है, प्लगइन्स एक ही है. देखो सी प्रोग्राम फाइल्स 86 VST प्लगइन्स. तो हम लोग अभी सी हो गया हमारा, फिर प्रोग्राम फाइल्स 86 VST प्लगइन्स. ठीक है, इधर एक डाल दीजिए, कंटिन्यू. ठीक है, अभी दूसरा जो है हमारा इसमें हमने अभी डाल दिया वो सी प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VST2. सो सी प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VST2 इधर भी डाल दीजिए, पेस्ट. ठीक है जी, फिर हमारा है
इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। फिर सी प्रोग्राम फाइल्स वीएसटी प्लगइन्स, तो सी प्रोग्राम फाइल्स वीएसटी प्लगइन्स इधर भी डाल दे, पेस्ट। फिर है हमारा, ये तो स्टाइनबेग का, इसमें हमको नहीं चाहिए, ये स्टाइनबेग जो है दूसरे एक क्यूबेस वेस का कंपनी है वो। सी प्रोग्राम फाइल्स इनटू 86 इमेज लाइन एफएल स्टूडियो, सो सी प्रोग्राम फाइल्स इनटू 86 इमेज लाइन एफएल स्टूडियो 20 प्लगइन्स। प्लगइन्स में है हमारा, एक मिनट, फिर प्लगइन्स वीएसटी, तो वीएसटी में ये हमने वी एस प्लगइन्स ले लिया, इसमें वीएसटी फोल्डर नहीं दिख रहा मेरे को, तो इसमें एक न्यू फोल्डर वीएसटी फोल्डर डाल दीजिए इसमें, क्योंकि नहीं दिख रहा उसमें, तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और कंट्रोल वी उधर कॉपी कर दिया आपने, ठीक है। अभी दूसरा जो है हमारा C प्रोग्राम फाइल्स 86 इमेज लाइन एफ एल स्टूडियो 20 प्लगइन्स VST, ये हमने अभी बनाया था C प्रोग्राम प्लगइन्स VST हमने बना दिया अभी उधर। तो दूसरा वाला है C प्रोग्राम फाइल्स 86 कॉमन, तो C प्रोग्राम फाइल्स 86 कॉमन फाइल्स VST 3 इधर डाल दे, ठीक है। फिर उसके बाद है C प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VST 3, सो C प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VST 3 इधर भी डाल दे, पेस्ट। तो हमेशा ये कंटिन्यू जो है पूछता रहता है वो सिस्टम का प्रेफरेंसेस के लिए, तो वो टेंशन नहीं है। तो हमने ये VOS प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर दिया, अभी ये देखते हैं, और यही हमने हमने शार्लटन जो है इंस्टॉल किया था, अभी हम लोग VK1 प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, इसको भी एक्सट्रैक्ट VK ये जो है इसमें कर लेता अभी। तो ये देखिए, तो ये हम लोग अभी विंडोज़ के लिए आया हुआ इधर, ये भी सेम चीज़ है, सो कॉपी। तो हमने जैसे पहले किया था, ये देखिए इधर, ये FL का है प्लगइन्स फ्रूटी एफेक्ट्स जनरेटर्स, तो ये जो हमें देखने का है कि ये सिंथेसाइजर क्या है, एफेक्ट्स है कि जनरेटर है, ये तो जनरेटर नहीं है एक्चुअली। तो हम लोग बेसिकली ये इंस्टॉल करेंगे VST प्लगइन्स में, बेसिकली जो है C प्रोग्राम फाइल्स 86 इधर से लेके, तो एफेक्ट्स और जनरेटर्स का अलग आता है, ये फ्रूटी वाला फोल्डर है, मतलब ये FL स्टूडियो का है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इधर डालेंगे हम C प्रोग्राम फाइल्स 86, सो C में गए प्रोग्राम फाइल्स 86 और VST प्लगइन्स, ये रहा, डाल दिए इधर, पेस्ट, ठीक है। फिर C प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VST 2, तो C प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VST 2 पेस्ट, ठीक है। फिर C प्रोग्राम फाइल्स VST प्लगइन्स, सो C प्रोग्राम फाइल्स VST प्लगइन्स पेस्ट। फिर इसमें नहीं चाहिए बिकॉज ये क्यूबेस वाला है, सी प्रोग्राम फाइल्स इमेज लाइन FL स्टूडियो 20 प्लगइन्स VST, सो सी प्रोग्राम फाइल्स इमेज लाइन FL स्टूडियो 20 प्लगइन्स VST पेस्ट। फिर सी प्रोग्राम फाइल्स 86 कॉमन फाइल्स, सी प्रोग्राम फाइल्स 86 कॉमन फाइल्स, इसमें VST 3 पेस्ट। फिर
लास्ट वाला सी प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VHC3। तो सी प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स VHC3 पेस्ट। तो अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को एटलीस्ट ये दिखा दिया कि अगर बिना सेटअप फाइल का आता है तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमने ये इंस्टॉल कर दिया है, अभी इसको हम लोग FL Studio में कैसे लेके आएंगे। तो चलते FL Studio। तो जब आप FL Studio में आएंगे आपको इधर कहीं पे भी कुछ नहीं दिखेगा, तो सबसे अच्छी बात होगा कि आप FL Studio पहले बंद कर दें इंस्टॉल के बाद, ठीक है, और उसके बाद आप FL Studio को वापस खोल लें। एक मिनट, तो मैं अभी FL Studio को इधर से बंद कर रहा हूँ और मैं FL Studio को खोलता हूँ अभी इधर से। एक मिनट रुकिए। तो अभी मैंने FL Studio को खोल लिया। तो हाँ दोस्तों, ये FL Studio खुल गया अभी। तो अभी देखो आप इधर जो ब्राउज़र है, ये जो ब्राउज़र है, बंद भी कर सकते हो लेफ्ट साइड में और खोल भी सकते हो। तो अभी आपको इधर न्यू में कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी जनरेटर्स में ये सब कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इंस्टॉल करने के लिए पहले ये प्लस दबाएंगे, मोर प्लगइन्स में जाएंगे, ठीक है। देखो अभी भी आपको नहीं दिख रहा, कल हमने इंस्टॉल किया था ये, तो इसलिए ये येलो दिख रहा है। मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे, तो अभी जितना भी ये फोल्डर है ये फाइन प्लगइन्स के जब दबाएंगे तो पूरा ये ढूंढना शुरू करेगा। तो हम लोग ये करते हैं अभी फाइन प्लगइन्स। तो अभी क्या हो रहा है, ये जितना भी फोल्डर है हम लोग को जो दिख रहा है, देखिए अभी दिख रहा है उधर कि इतना प्लगइन्स हम इन्होंने फाइंड आउट किया। देखो स्टेटस ओके दिखा रहा है, देखो अभी इतना सारा प्लगइन्स हमको जो है नया वाला मिला, ये देखो ये सब। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, बेसिकली ये सेम ही है, 1 और 2 ही है, लेकिन ये एक जगह से जो है दूसरा दूसरे जगह पे हमने जो इंस्टॉल किया था उसका दिखा रहा है। तो अभी हम इधर जाएंगे इंस्टॉल्स में, जनरेटर्स में, VHT3 में नहीं, VHTs में जाएंगे। देखिए ये आ गया, देखा आपने। तो अगर अब हम देखेंगे ये क्या है बेसिकली, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये देखिए, तो ये है हमारा एक सिंथेसाइज़र अभी। तो इसको अभी हम लोग ज़रा ट्राई करके देखते पियानो रोल में जाके, और देखा तो ये चल रहा है अभी। वैसे में अभी थोड़ा हम लोग जाके देखते कोई प्रीसेट्स है कि नहीं, प्रीसेट्स नहीं है, लेकिन हम लोग चेंज कर सकते जो भी ऑसिलेटर है बेसिकली ये, तो उसके हिसाब से हम लोग शेप या एनवलप करके हम लोग चेंजेस कर सकते हैं और हम अपना ही साउंड बना सकते हैं इसमें। तो देखिए तो ये है दोस्तों, दूसरा भी देखते हैं, वाइकिंग सिंथेसाइजर जो है वो डाल के देखते हैं अभी। ये देखिए ये भी आ गया, अभी नंबर 6 पे डालता हूँ मैं, हाँ इसको बंद कर देता हूँ। वाइकिंग सिंथेसाइजर अभी देख लेते हैं अभी हम लोग क्या है, इसमें कुछ ना कुछ प्रीसेट्स होना चाहिए शायद। ये देखिए इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी बनाया हुआ, तो बेस 80s, तो मैं एक्चुअली ये खेल के देखने के लिए जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये बेस सिंथेसाइजर है, तो दोस्तों आपने देख लिया ये बहुत सारा अच्छा खासा इसका बेस, बहुत अच्छा खासा बेस हम लोग को मिल रहा है इसका जो सिंथेसाइजर में। तो ऐसे ही जब हम लोग को ऐसे DLL फाइल मिलता है
तो ऐसा ही एक प्रोसीजर है जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। दूसरा एक आता है जो सेटअप फाइल में होता है, तो सेटअप फाइल में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो सेटअप फाइल जो है VST फोल्डर्स में सब डाल देते हैं। बहुत सारा VSTs हम लोग को ऐसे ही .dll फाइल में मिलता है और ऐसे ही इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कैसे आप इंस्टॉल करेंगे और आप ये सब नया जो VSTs जो फ्री VSTs है डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड करने में और जो जो नया VSTs है उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जितना फ्री VST मिले आप लोग कोशिश कर लीजिए डाउनलोड करके और उसको इस्तेमाल करने का देखिए। इसके लिए क्या है, दूसरा इतना पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा जो अच्छा अच्छे जो पैसे वाला जो VSTs लोग बेच रहे हैं, एक्चुअली इन्हीं से ही आता है सब कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा कि, लेकिन हाँ इसमें क्या है कि थोड़ा हम लोग को टाइम लगाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। दूसरा VSTs जो है इतना हम लोग 1,000-2,000 दिरहम जो हो गया जैसे 1,00,000 रुपये का सब कीमत पड़ जाता है कभी कभी, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, नेक्सेस हो गया, ये सब आप लोग को ये फ्री VSTs में ही मिल जाता है। तो होपफुली आप लोग को ये ट्यूटोरियल थोड़ा अच्छा लगा होगा और कुछ फ़ायदा देगा आपको और आप लोग अपना थोड़ा और क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे और उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मैं और भी ट्यूटोरियल्स बनाते रहूँगा, अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है मुझे, तो जितना टाइम मिल रहा है मेरे को उसके हिसाब से मैं आप लोग के लिए ऐसे एक एक छोटे छोटे जो टिप्स है और ट्रिक्स है जो मैं बताते रहूँगा जो आप लोग को हेल्प करेगा। बस आज के लिए अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर देखता हूँ आज शाम को अगर मैं लाइव ट्यूटोरियल में आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली मैं डेली आने का कोशिश करूँगा। इतना बोलते ही दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, थैंक यू फॉर ऑल दिस सपोर्ट एंड आई विल कीप पोस्टिंग यू मोर इन द रेगुलर अपडेट। मिलते हैं दोस्तों छोटी सी ब्रेक के बाद। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप नए आए हो तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।